3, 2, 1। एक वॉकी टॉकी में हुए घातक विस्फोट ने 9 लोगों की जान ले ली और 300 को घायल कर दिया। इससे पहले एक पेजर विस्फोट भी हुआ था। यह घटना हिजबुल्लाह के एक कमांडर के अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत की चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाना है। भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। इसके लिए 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। इस मांग से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि गणेशोत्सव और ईद दोनों के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नुकसानदेह है। इस फैसले का मकसद सभी त्योहारों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे शेयर बाजार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के इलेक्शन में 58.85% मतदान हुआ, जिसमें किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा भागीदारी देखी गई। अंत में खेल जगत से, अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला एक दिवसीय मैच 6 विकेट से जीत लिया। अधिक अपडेट के लिए बने रहें।